जय मां।
माता सीता का अपमान ना, माता सीता का अपमान। सीते का अपमान क्या कह रही है ये आप सभी मूर्ति की भांति निश्चल क्यों खड़े हैं? जो चित्त में हो सो कह दीजिए, किसी बात का संकोच मत कीजिए। अश्रु की धारा
सबका दिल है, तो तुम भला कर्ज में प्रसाद क्यों करते हो? हे माता, अब मैं आपको क्या ही बताऊं? अन्यारी, जल्दी बताइए, आपकी चित्त में जो भी है वह कह दीजिए। हे माता, दुर्जनों के वज्रों द्वारा अपवाद के भय से एवं अकीर्ति लोक में ना फैले, इस भय से श्री राम ने आपका अटूट स्नेह त्याग दिया है एवं आपको निर्वाण क्षेत्र एवं चैत्यालयों की वंदना के पश्चात वन जंगलों में छोड़ देने को कहा है। हे कृतांत, तुम राजा श्री राम से कह देना कि वे मेरे त्याग का विषाद न करें, अपितु परम धैर्य का अवलंबन कर सदैव जिंद्रम की प्रजा की रक्षा करें। हे कृतांत, तुम राजा श्री राम से कहना कि जिस प्रकार लोकावाद के भय से उन्होंने सीता का त्याग किया है, उस प्रकार जिंद्रम का त्याग कदापि न करें। जी माता। इस प्रकार दुखी चित्त के साथ सेनापति सीता माता को वन में छोड़ आते हैं। अब सीता माता वन में भटकती हुई दुखी होकर रो रही होती है। तभी एक वशिष्ठ नाम का राजा अपनी सेना के साथ वन में हाथी पकड़ने के लिए आया हुआ था। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। लक्ष्मण की गुरु
प्रभु श्री राम ने जनक पुत्री जानकी का त्याग क्यों किया? लोक अपवाद के कारण दुखी होकर राजा राम ने अपनी प्राण प्रिया का त्याग किया। हे स्वामी, राम जी ने जानकी का त्याग कर गए, अच्छा नहीं किया। ये कुलवंत भी रीति नहीं है। नौकर पर को दूर करने के अनेक उपाय थे, फिर ज्ञानी जी ने ऐसा अद्भुत प्रकार क्यों किया? शीघ्र ही सभी राजाओं को पत्र भिजवाइए और उनसे कहिए कि वे युद्ध की तैयारी करकर शीघ्र आ जाए। हम अयोध्या नगरी पर आक्रमण कर रहे हैं। इतना क्रोध और अचानक ही अयोध्या पर आक्रमण? क्या मामा श्री, अयोध्या पर आक्रमण, क्योंकि हमें सब पता चल चुका है और हम चाहते हैं कि राम, श्री राम और लक्ष्मण का घमंड चूर चूर हो जाए। अच्छा ठीक है, हम शीघ्र ही अपनी सेना को तैयार करवाएंगे। यह समाचार जब सीता माता ने सुना तो वह बहुत रोने लगी। वह नारद जी से जाकर प्रश्न पूछती है, यह आपने क्या कर दिया? पिता और पुत्र दोनों मेरे विरोध उठने के करा दिया, अब आप ही इसे किसी प्रकार शांत करें। मैं क्या करूं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इन्होंने मेरा आदर किया, मैंने इन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम भी राम लक्ष्मण जैसे हो। इस पर इन्होंने जिज्ञासा प्रकट की तो मैंने बता दिया। माता को Thank you.
तुम दोनों मेरे ही पुत्र हो? यह जानकर राम व लक्ष्मण दोनों ही अपने शस्त्रों का त्याग कर मोहवश हो जाते हैं। जाओ बैठ को बुलवाओ।
स्वीकार कर रहे हैं। अब आप ही कोई तरकीब लगाइए। मैं क्या बताऊं कुछ, पिताश्री तो मोहवश ऐसे मूर्छित हो रहे हैं, मोह रूपी मदिरा का पान कर रहे हैं। आइए दादा एक बार और प्रयास करते हैं। पिताश्री आपने सुबह से अन्न जल का ग्रहण नहीं किया है, कृपया छुटकारा नहीं मिल सकता, अतः मुझे भी इस झूठे मोह को त्याग कर सहज कल्याण पर